स्टोरी विथ बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है सती अनंतमती की कहानी। ये कहानी है अंग देश की। उस समय उसकी प्रधान राजधानी थी चंपापुरी। उसके राजा थे सुवर्धन और रानी का नाम था लक्ष्मीमती। वो सती थी, गुणवती थी और बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। उनके एक पुत्र था प्रियदत्त और उसकी पत्नी का नाम था अंगवती। दोनों ही बड़े धर्मात्मा, उदार और जिन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले थे। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंतमती। बहुत ही सुंदर और गुणों का समुद्र थी। पर्व पजुषण आए, प्रियदत्त ने धर्म कीर्ति मुनिराज के पास 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री को भी विनोदवश होकर ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। कभी कभी सत्पुरुषों का विनोद भी सत्य मार्ग का प्रदर्शक बन जाता है। अनंतमती के चित्त पर भी प्रियदत्त के दिलाए इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। जब अनंतमती के ब्याह का समय आया और उसके लिए आयोजन होने लगे, तो अनंतमती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिया है ना, फिर ये ब्याह का आयोजन किस लिए करते हैं? प्रिय पुत्री, मैंने तुझे जो व्रत दिलाया था वो तो केवल एक विनोद था, क्या तू उसे सच समझ बैठी? पिताश्री, धर्म और व्रत में हंसी विनोद कैसा, ये मैं नहीं समझी। अरे मेरे कुल की प्रकाशक, मेरी प्यारी पुत्री, मैंने तो तुझे ब्रह्मचर्य केवल विनोद से दिया था और तू उसे सच ही समझ बैठी। तो भी वो तो 8 दिन के लिए था, फिर अब तू ब्याह से क्यों इनकार करती है? मैं मानती हूं पिताजी कि आपने अपने भावों से मुझे 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दिया होगा, लेकिन न तो आपने उस समय मुझे ऐसा कहा और न ही मुनिराज ने, तो मैं कैसे समझ लूं कि वो 8 दिन के लिए था? इसलिए अब जो कुछ भी हो, मैं तो जीवन पर्यंत उसे पालूंगी, अब मैं ब्याह नहीं करूंगी। अनंतमती की बातों से उसके पिता को बड़ी निराशा हुई, पर वे कर भी क्या सकते थे, उन्हें अपना सब आयोजन समेट लेना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अनंतमती के जीवन की धार्मिक जीवन बनाने के लिए उसके पठन पाठन का प्रबंध कर दिया। अनंतमती भी निराकुलता से शास्त्रों का अभ्यास करने लगी। इस समय अनंतमती पूर्ण युवती है। उसकी सुंदरता ने स्वर्गीय सुंदरता धारण की है। उसके अंग अंग में लावण्य सुधा का झरना बहता है। चंद्रमा उसके अप्रतिम मुख की शोभा को देखकर फीका पड़ रहा है और नखों के प्रतिबिंब के बहाने से उसके पांवों में पड़कर अपनी इज्जत बचा लेने के लिए प्रार्थना करता है। उसकी बड़ी बड़ी और प्रफुल्लित आंखों को देखकर बेचारे कमलों से मुख ऊंचे नहीं किए जाते। यदि सच पूछो तो उसके सौंदर्य की प्रशंसा करना मानो उसकी मर्यादा बांध देना है, पर वो तो अमर्याद है, स्वर्ग की सुंदरियों को भी दुर्लभ है। चैत्र का महीना था। एक दिन अनंतमती अपने बगीचे में अकेली झूले पर झूल रही थी। इसी समय एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधरों का राजा, जो कि विद्याधरों की दक्षिण श्रेणी से किन्नरपुर का स्वामी था, उधर ही होकर अपनी प्रिया के साथ वायुयान में बैठा जा रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि झूलती हुई अनंतमती पर पड़ी और उसकी स्वर्गीय सुंदरता को देखकर कुंडल मंडित काम के बाणों से बुरी तरह बिंद गया। उसने अनंतमती की प्राप्ति के बिना अपने जन्म को व्यर्थ समझा। वो उस बालिका को उड़ा तो उसी वक्त ले जाता, पर साथ में प्रिया होने से ऐसा अनर्थ करने की उसकी हिम्मत न पड़ी। पर उसे बिना अनंतमती के कब चैन पड़ सकता था, इसलिए वो अपने विमान को शीघ्रता से घर ले आया। वहां अपनी प्रिया को छोड़
उसी समय अनंत मती के बगीचे में आ उपस्थित हुआ और बड़ी फुर्ती से उस भोली बालिका को उठा कर ले चला। उधर उसकी प्रिया को भी इसके कर्म का कुछ कुछ अनुसंधान लग गया था, इसलिए कुंडल मंडित तो उसे घर पर छोड़ आया था, पर वो घर पर न ठहर उसके पीछे पीछे हो चली। जिस समय कुंडल मंडित अनंतमती को लेकर आकाश की ओर जा रहा था कि उसकी दृष्टि अपनी प्रिया पर पड़ी, क्रोध के मारे लाल मुख किए हुए देख कुंडल मंडित के प्राण देवता शिथिल पड़ गए। उसके शरीर से काटो तो खून नहीं। ऐसी स्थिति में अधिक गोलमाल होने के भय से उसने फुर्ती के साथ अनंतमती को एक पर्ण लब्धि विद्या के अधीन कर उसे भयंकर वन में छोड़ देने की आज्ञा दे दी और अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया और उसके सामने अपनी निर्दोषता का ये प्रमाण पेश कर दिया कि अनंतमती न तो विमान में उसे देखने को मिली, न विद्या के सुपुर्द करते समय कुंडल मंडित ने ही उसे देखने दी। उस भयंकर वन में अनंतमती बड़े जोर जोर से रोने लगी, पर उसके रोने को सुनता भी कौन? वो तो कोसों तक मनुष्य के पदचार से रहित थी। कुछ समय बाद एक भीलों का राजा शिकार खेलता हुआ उधर से आ निकला। उसने अनंतमती को देखा, देखते ही वो भी काम के बाणों से घायल हो गया और उसी समय उसे उठा अपने गांव में ले आया। अनंतमती तो समझी कि देव ने मुझे इसके हाथ सौंप मेरी रक्षा की है और अब मैं अपने घर पहुंचा दी जाऊंगी, पर नहीं, उसकी ये समझ ठीक नहीं थी। वो छुटकारे के स्थान पर एक नई विपत्ति के मुख में फंस गई थी। राजा उसे अपने महल में ले चला और बोला, आज तुम्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि एक राजा तुम पर मुग्ध है और वो तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करो और अपने स्वर्गीय समागम से उसे सुखी करो। वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है, तुम्हें वन देवी समझकर अपना मन चाहा वर मांगता है, उसे देकर उसकी आशा पूरी करो। बेचारी भोली अनंतमती उस पापी की बातों का क्या जवाब देती? वो फूट फूट कर रोने लगी और आकाश पाताल एक करने लगी, पर उसकी सुनता कौन? वो तो राज्य ही मनुष्य जाति के राक्षसों का था। भील राजा के निर्दयी हृदय में अनंतमती के लिए कुछ भी दया नहीं आई। उसने और भी बहुत बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, भय दिखाया, पर अनंतमती ने तो उस पर कुछ भी ध्यान न दिया। किंतु ये सोचकर कि नारकियों के सामने रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा, उसने उसे फटकारना शुरू किया। उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी, उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। सब कुछ हुआ पर उस भील राक्षस पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। उसने अनंतमती से बलात्कार करना चाहा, इतने में उसके पुण्य प्रभाव से नहीं, शील के अखंड बल से वन देवी ने आकर अनंतमती की रक्षा की और उस पापी को उसके पाप का खूब फल दिया और कहा, नीच, तू नहीं जानता ये कौन है। याद रख, ये संसार की पूज्य एक महादेवी है, जो तूने इसे सताया तो समझना तेरे जीवन की कुशल नहीं। ये कहकर वन देवी अपने स्थान पर चली गई। उसके कहने पर भील राजा पर बहुत असर पड़ा और पड़ना भी चाहिए था, क्योंकि थी तो वो देवी ही ना। देवी के डर के मारे दिन निकलते ही उसने अनंतमती को एक साहूकार के हाथ सौंप दिया और कहा कि इसे घर पहुंचा दीजिएगा। पुष्पक सेठ ने उस समय तो अनंतमती को घर पहुंचा देने का इकरार किया, पर ये किसने जाना कि उसका हृदय भी भीतर से पाप पूर्ण हो गया। अनंतमती को पाकर वो समझने लगा कि मेरे हाथ अनायास स्वर्ग की सुंदरी लग गई है, ये यदि मेरी बात प्रसन्नतापूर्वक मान ले तो अच्छा है, नहीं तो मेरे पंजे से छूट कर भी तो नहीं जा सकती। ये विचार कर उस पापी ने अनंतमती से कहा, सुंदरी, तुम बड़ी भाग्यवती हो,
जो एक नर पिशाच के हाथ से छूटकर पुण्य पुरुष के सुपुर्द हुई हो। कहां तो तुम्हारी ये अनिग्ध स्वर्गीय सुंदरता और कहां वो भील राक्षस कि जिसे देखते ही हृदय कांप उठता है। मैं तो आज अपने को देवों से भी कहीं बढ़कर भाग्यशाली समझता हूं जो मुझे इतना अनमोल स्त्री रत्न सुलभता से प्राप्त हुआ है। भला बिना महाभाग्य के कहीं ऐसा रत्न मिल सकता है? सुंदरी, देखती हो मेरे पास अटूट धन है, अनंत वैभव है, पर उस सबको तुम पर न्यौछावर करने को तैयार हूं और तुम्हारे चरणों का दास बनता हूं। कहो, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने हृदय में जगह दोगी ना? दो, और मेरे जीवन को, मेरे वैभव को सफल करो। अनंतमती ने समझा था कि इस भले मानस की कृपा से मैं सुख पूर्वक अपने पिताजी के पास पहुंच जाऊंगी, पर वो बेचारी पापियों के पापी हृदय की बात क्या जाने, उसे जो मिलता वो उसे भला ही समझती। ये स्वाभाविक बात है कि अच्छों को संसार अच्छा ही दिखता है। अनंतमती ने पुष्पक सेठ की पाप पूर्ण बातें सुनकर बड़े कोमल शब्दों में कहा, महाशय, आपको देखकर तो मुझे ये विश्वास हुआ था कि अब मेरे लिए कोई डर की बात नहीं रही, मैं निर्विघ्न अपने घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरे एक दूसरे पिता मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं। पर मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप सरीखे भले मानव के मुंह से और ऐसी नीच बातें, जिसे मैंने रस्सी समझकर हाथ में लिया था, मैं नहीं समझती थी कि वो इतना भयंकर सर्प होगा। क्या ये बाहरी चमक धमक और सीधापन केवल दंभकपना है, केवल बगुलों की हंसों में गणना कराने के लिए है? यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे धन वैभव को और तुम्हारे जीवन को धिक्कारती हूं, अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखती हूं। जो मनुष्य केवल संसार को ठगने के लिए ऐसे मायाचार करता है, बाहर धर्मात्मा बनने का ढोंग रचता है, लोगों को धोखा देकर अपने माया जाल में फंसाता है, वो मनुष्य नहीं किंतु पशु है, पिशाच है, राक्षस है। वो पापी मुख देखने के योग्य नहीं, नाम लेने के भी योग्य नहीं, उसे जितना धिक्कारा जाए थोड़ा है। मैं नहीं जानती कि आप भी उन्हीं पुरुषों में से एक होंगे। अनंतमती और भी बहुत कुछ कहती गई, पर वो ऐसे कुल कलंक नीच के मुंह लगना उचित नहीं समझती थी, सो चुप हो गई। अपने क्रोध को वो दबा गई। उसकी जली भुनी बातें सुन पुष्पक सेठ की अक्ल ठिकाने आ गई, वो जलकर खाक हो गया। क्रोध से उसका सारा शरीर कांपने लगा, पर तब भी अनंतमती के दिव्य तेज के सामने उससे कुछ भी न करते बना। उसने अपने क्रोध का बदला अनंतमती से इस रूप में चुकाया कि वो उसे अपने शहर में ले जाकर एक काम सेना नाम की कुट्टिनी के हाथों बेच दिया। सच बात तो ये है कि ये दोष किसे दिया जा सकता है, किंतु कर्मों की ही ऐसी विचित्र स्थिति है, जो जैसे कर्म करता है उसका उसे वैसा ही फल भोगना होता है, इसमें नई बात कुछ नहीं। कामसेना ने अनंतमती को कष्ट देने में कुछ कसर नहीं रखी, जितना उससे बना उसने भय से, लोभ से उसे पवित्र पद से गिराना चाहा, उसके सतित्व धर्म को भ्रष्ट करना चाहा, पर अनंतमती उससे नहीं डिगी, वो सुमेरु के समान निश्चल बनी रही। ठीक तो है, जो संसार के दुखों से डरते हैं वे ऐसे सांसारिक कर्मों के करने से घबरा उठते हैं, जो न्याय मार्ग से भी क्यों न प्राप्त हुआ हो, तब भला उन पुरुषों की ऐसी घृणित और पाप कार्यों में कैसे प्रीति हो सकती है? कभी नहीं होती। कामसेना ने उस पर अपना चक्र न चलता देखकर उसे एक सिंहराज नाम के राजा को सौंप दिया। बेचारी अनंतमती का जन्म ही न जाने कैसे बुरे समय में हुआ था, जो वो जहां पहुंचती वहीं विपत्ति उसके सिर पर सवार रहती।
सिंहराज भी एक ऐसा ही पापी राजा था। वो अनंतमती को देवांगना दुर्लभ रूप में देख उस पर मोहित हो गया। उसने भी उससे बहुत हाथाजोड़ी की, पर अनंतमती ने उसकी बातों पर कुछ ध्यान न देकर उसे भी फटकार डाला। पापी सिंहराज ने अनंतमती का अभिमान नष्ट करने के लिए उसके साथ बलात्कार करना चाहा, पर जो अभिमान मानवीय प्रकृति का न होकर अपने पवित्र आत्मीय तेज का होता है, भला किसकी मजाल जो उसे नष्ट कर सके। जैसे ही पापी सिंहराज ने तेजोमय मूर्ति की ओर पांव बढ़ाया कि उसी वन देवी ने, जिसने एक बार पहले भी अनंतमती की रक्षा की थी, उपस्थित होकर कहा, खबरदार, इस सती देवी का स्पर्श भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो समझ लेना तेरा जीवन जैसे संसार में था ही नहीं। इसके साथ ही देवी ने उसे पाप कर्मों का उचित दंड दिया और अंतर्धीन हो गई। देवी को देखते ही सिंहराज का कलेजा कांप उठा, वो चित्र लिखे सा निश्चेष्ट हो गया। देवी के चले जाने के बहुत देर बाद उसे होश आया। उसने उसी समय नौकर को बुलवाकर अनंतमती को जंगल में छोड़ देने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अनंतमती एक भयंकर वन में छोड़ दी गई। वो कहां जाएगी, किस दिशा में उसका शहर है और वो कितनी दूर है, इन सब बातों का यद्यपि उसे कुछ भी पता न था, तब भी वो पंच परमेष्टि का स्मरण कर वहां से आगे बढ़ी और फल फूलादि से अपना निर्वाह कर वन जंगल पर्वतों को लांघती हुई अयोध्या जा पहुंची। वहां उसे एक पद्मश्री नाम की आर्यिका के दर्शन हुए। आर्यिका ने अनंतमती से उसका परिचय पूछा। उसने अपना सब परिचय देकर अपने पर जो जो विपत्ति आई थी और उससे जिस जिस प्रकार अपनी रक्षा हुई थी उसका सब हाल उसे कह सुनाया। आर्यिका उसकी कथा सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने उसे एक सती शिरोमणि रमणी रत्न समझकर अपने पास रख लिया। सच है, सज्जनों का व्रत परोपकारार्थ ही होता है। उधर प्रियदत्त को जब अनंतमती के हरे जाने का समाचार मिला तो वो अत्यंत दुखी हुआ। उसके वियोग से वो अस्थिर हो उठा। उसे घर शमशान सरीखा भयंकर दिखने लगा। संसार उसके लिए शून्य हो गया। पुत्री के विरह से दुखी होकर तीर्थ यात्रा के बहाने से वो घर से निकल पड़ा। उसे लोगों ने बहुत समझाया पर उसने किसी की बात को न माना और अपने निश्चय को न छोड़ा। कुटुंब के लोग उसे घर पर न रहते देख स्वयं भी उसके साथ साथ चले। बहुत से सिद्ध क्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करते करते वे अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर प्रियदत्त का साला जिनदत्त रहता था। प्रियदत्त उसी के घर पर ठहरा। जिनदत्त ने बड़े आदर सम्मान के साथ अपने बहनोई की पाहुनगति की। इसके बाद स्वस्थता के समय जिनदत्त ने अपनी बहन आदि के समाचार पूछे। प्रियदत्त ने जैसी घटना बीती थी सब उसे कह सुनाई। सुनकर जिनदत्त को भी अपनी भांजी के बाबत बहुत दुख हुआ, पर उसे दूर करने के लिए सब लाचार थे। कर्मों की विचित्रता देखकर सभी को संतोष करना पड़ा। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर और स्नान आदि करके जिनदत्त तो मंदिर चला गया। इधर उसकी पत्नी भोजन की तैयारी करके पद्मश्री आर्यिका के पास जो बालिका थी उसे भोजन कराने को और आंगन में चौक पूरने को बुला लाई। बालिका ने आकर चौक पूरा और बाद में भोजन करके वो अपने स्थान पर लौट आई। जिनदत्त के साथ प्रियदत्त भी भगवान की पूजा करके घर पर आए। आते ही उसकी दृष्टि चौक पर पड़ी। देखते ही उसे अनंतमती की याद उठी, वो रो पड़ा। पुत्री के प्रेम से उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने रोते रोते कहा, जिसने ये चौक पूरा है क्या मुझ अभागे को उसके दर्शन होंगे। जिनदत्त अपनी पत्नी से उस बालिका का पता पूछ जहां पर वो थी वहीं दौड़ गया और झट से उसे अपने घर लेवा लाया।
बालिका को देखते ही प्रियदत्त के नेत्रों से आंसू बह निकले, उसका गला भर आया। आज वर्षों बाद उसे अपनी पुत्री के दर्शन हुए। बड़े प्रेम के साथ उसने अपनी पुत्री को छाती से लगाया और उसे गोदी में बिठाकर उससे एक एक बातें पूछनी शुरू की। उसके दुखों का हाल सुन प्रियदत्त बहुत दुखी हुआ। उसने कर्मों का, इसलिए कि अनंतमती इतने कष्टों को सह कर भी अपने धर्म पर दृढ़ रही और कुशल पूर्वक अपने पिता से आ मिली, बहुत बहुत उपकार माना। पिता पुत्री का मिलाप हो जाने से जिन दत्त को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने इस खुशी में जिन भगवान का रथ निकलवाया, सबका यथा योग्य आदर सम्मान किया और खूब दान किया। इसके बाद प्रियदत्त अपने घर जाने को तैयार हुआ। उसने अनंतमती से चलने को कहा। वो बोली, पिताजी, मैंने संसार की लीला को खूब देखा है, उसे देखकर तो मेरा जी कांप उठता है। अब मैं घर पर नहीं चलूंगी, मुझे संसार के दुखों से बहुत डर लगता है। अब तो आप दया करके मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। पुत्री की बात सुनकर प्रियदत्त बहुत दुखी हुए, पर अब उसने अपने घर पर चलने का विशेष आग्रह न कर केवल इतना ही कहा, पुत्री, तेरा ये नवीन शरीर अत्यंत कोमल है और दीक्षा का पालन करना बड़ा कठिन है, उसमें बड़ी बड़ी कठिन परिचय सहनी पड़ती है, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए मंदिर में रह, अभ्यास कर और धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिता। इसके बाद जैसा तू चाहती है वो स्वयं ही हो जाएगा। प्रियदत्त ने इस समय दीक्षा लेने से अनंतमती को रोका, पर उसके तो रोम रोम में वैराग्य प्रवेश कर गया था, फिर वो कैसे रुक सकती थी। उसने मोह जाल तोड़ उसी समय पद्मश्री आर्यका के पास जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षित होकर अनंतमती खूब दृढ़ता से तप करने लगी, महीना महीना के उपवास करती, परिचय सहने लगी। उसकी उम्र और तपश्चर्या को देखकर सबको दांतों तले उंगली दबानी पड़ती। अनंतमती का जब तक जीवन रहा तब तक उसने बड़े साहस से अपने व्रत का निर्वहन किया। अंत में वो संन्यास मरण कर सहस्त्रार्थ स्वर्ग में जाकर देव हुई। वहां वो नित्य नए रत्नों के स्वर्गीय आभूषण पहनती, जिन भगवान की भक्ति के साथ पूजा करती, हजारों देव देवांगनाएं उसकी सेवा में रहती, उसके ऐश्वर्य का पार नहीं और न उसके सुख की ही सीमा है। बात यह है कि पुण्य के उदय से क्या क्या नहीं होता। अनंतमती को उसके पिता ने केवल विनोद से शील व्रत दे दिया था, पर उसने उसका बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया। कर्मों के पराधीन सांसारिक सुख के उसने स्वप्न में भी चाह नहीं की। उसके प्रभाव से वो स्वर्ग में जाकर देव हुई, जहां सुख का पार नहीं। वहां वो सदा जिन भगवान के चरणों में लीन रहकर बड़ी शांति के साथ अपना समय बिताती है। सती शिरोमणि अनंतमती हमारा भी कल्याण करे। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।